पाक पतंग का बाबा चला गया मुल्तान श्री बावल हक के मुल्तानी से मिलने। बावल हक के घर में एक कनीज रहा करती थी, वो खिदमत करती थी और उसकी पिशानी पे लिखा हुआ था हाज ही शकीयत, ये जहन्मी है। बावलक ने दुआ की मगर वो जन्मी की जन्मी रही, रहती अल्लाह वाले के आस पास थी, उसी हरम में रहती, आस्था पे रहती। बावलक को इंतजार था हजरत बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला मिलने के लिए आए, तो आपने उसी कनीज को फरमाया जा बाबा जी का वजू करवा के। उसने लोटा उठाया बाबे फरीद को वजू करवा रही, और सुनना दिकानो बाबा जी ने हाथ धोते कुली की नक के पानी मुंह से पानी, जिस टाइम उन्हें बांह तो आंड लगी ना आपकी, तो बाबे फरीद की नजर उस पे पड़ गई। और हो सकता है कि नजर भी इसलिए पड़ी हो क्योंकि वो पीछे जो फकीर बैठा था वो भी दुआ करो अल्लाह करे वेख लवे, अल्लाह करे वेख लवे, पानी को चजदा नहीं पाया होना। तो बाबे ने कहा पानी ध्यान न पा, देखा तो मथे से दिल के हाल ही शकीयत ये जन्मी है। बाबा फरीद बह गया उसे, वो पानी लोटा सुटी गई सुटी गई, लोटा खाली हो गया, बज के गई बावलक बरामदे टैलियां मार रहे है, जिक्र करता फिरता है। उन्हें वेख्या हां की होया बाबे फरीद वजू कर लिया, कभी नहीं, उन्हें के हाथ धोते से मुंह खुली नाक के पानी चेहरा धोते है बाद उसे पानी पाया, ते बाबा ना मेरे वाले एक दफा उन्हें वेख गया ते पता नहीं मेनू वेखी जा रहा है, लोटा खाली हो गया पानी का। बावलक ने किया जल्दी कर भर लोटा, लोटा भर जल्दी से फिर ले जा, लोटा भरा फिर ले गई, फिर बाबा फरीद ने बां दुआ 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 लोटा खाली हो गया, बाबा बैठा है बाबा हुजूरी कर रहे हैं। वो फिर गई बाबे ने बावलक ने कहा क्या हुआ वजू किया, कहते नहीं जी मैनू वेखी जा रहे, बना लोटा भर छेती जा, कहते मैं नहीं जाना आप किसी और का नीज को कहें, मुझे अच्छा नहीं लगता बाबा साहब मुझे देख रहे हैं। कहते जल्दी हो गई है फकीर तुझे हुक्म देता है वापस जा लोटा भर जा वजू करवा। वो आई उसने आके वजू कराया, आधा लोटा मुए बगदा रहा बहता रहा, आधे लोटे के बाद बाबा फरीद मुस्माइल दी मुस्करा पड़ा, और मुस्कराने के बाद बाबे ने वजू कंप्लीट किया, बाबा वजू करके नमाज पढ़ने लगा। इधर वो जो कनीर थी वो वापस गई बावलक, बावलक फरमान लगे वो की बने भाई, कहती बाबा आधा लोटा पानी दा वैसे डालती रही हूं। उसके बाद बाबे फरीद ने समाइल नहीं मुस्कराया बाबा, बाबा मुस्करा के उसने वजू कंप्लीट करके तो नमाज मुकम्मल वजू कर लिया, तो फिर नमाज के लिए चले गए। शाम को जिस वक्त ये फकीर दुर्वेश इकट्ठे हो बैठे तो आपस में टाक शाक होने लगी, बावलक जिक्रिया फरमाने लगे बाबा जी शरण वजू के लिए कितना पानी जरूरत होता है। बाबे फरीद ने फरमाया इतना पानी है, तो कहने कि आपने आज तीन लोटे नाल वजू फरमाया, बावलक फरमाने के तीन लोटों से आपने वजू किया तो ये क्या बात हुई। बाबा फरीद मुस्करा पड़े, फरमाया तेरा ही काम करके आ रहे चक्की हो, फरमाया तेरी कनीज जब मुझे वजू करवा रही थी ना दौरान वजू मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई, उसके फेस पे पेशानी पे लिखा हुआ था कि आज ही शकी है तुम ये जहन्मी है। कदम मैं रब नु क्या मालका रवे बावलक दे घर जावे जहन्नम में, बावलक जिक्रिया मुल्तानी होसुल अगयास होसुल आलमीन है, हम वक्त तुझको याद करे इसकी बांदी इसके घर में इसकी छत के नीचे रहे वो जाए जहन्नम में। मैंने रब को कहा इसकी तकदीर बदल, मुझे आवाज आई हाथे से इसकी तकदीर में जहन्नम है। मैंने फिर कहा इसकी तकदीर को बदल बदल, आवाज आई इसकी तकदीर में जहन्नम है। फिर मैंने अपने रब को कहा तेरी इज्जत की कसम जब तक तू इसकी तकदीर नहीं बदलता मैं वजू मुकम्मल करके तेरी बारगाह में सजदा करने वाला मैं भी नहीं रहूंगा, पहले इसकी तकदीर बदल फिर मैं सजदा करूंगा। कहा ली लोटा फिर लाई फिर लाई फिर लाई, आखिर मेरे रब की रहमत में जोश है, उन्हें वेखिया के आड़ के आई है हो गया आड़ के है।
रब ने कर्म किया, इसकी तकदीर बदली, जब मैंने इसकी पेशानी पे लिखा हुआ पढ़ा आज ही सईदतुन, ये जन्नती है, जब मैंने पढ़ लिया तो फिर मैंने उसकी बारगाह में शुक्र भी अदा किया, मैंने वजू भी मुकम्मल किया और वजू करके उसकी बारगाह में सजदा रेज हो गया। सुभान अल्लाह।